अपना बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस करने का तरीका बदलो, बिजनेस मत बदलो। इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। क्या होता है कि लोग एक व्यवसाय चालू करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कौशल्य नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और चालू करेंगे व्यवसाय। पहले उनके दिमाग में एक प्लान भी तैयार रहता है। प्लान भी वो है कि भाई ये नहीं चला तो मैं वो करूँगा, या तो नौकरी करूँगा, या तो दूसरा धंधा करूँगा, या तो पिताजी को ज्वाइन कर लूँगा। तो प्लान भी तैयार रहता है। तो पहला जो है वो प्लान भी बंद होना चाहिए, मतलब जो करना है वो आखिरी तक करूँगा, जिएंगे इसके साथ, मरेंगे इसके साथ। और वहाँ से आप यदि वो व्यवसाय चालू करते, वो बिजनेस चालू कर देते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब 10 बिजनेस चालू करते हैं समझो, तो 10 बिजनेस में से 9 बिजनेसेस 10 साल के अंत में 9 बिजनेस बंद हो जाते हैं। मतलब 90% बिजनेसेस दे क्लोज डाउन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब उनको यदि फॉलोअप किया तो 10 साल के आखिरी में जो 10 शुरू हो गए उसमें से 9 बंद हो गए रहते, और उसमें से जो बच गए एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स उसमें से 90% धंधे आगे 10 साल में बंद हो जाते। आप यदि आप देखेंगे तो आपके सिटी में कितने लोग ऐसे हैं या कितने बिजनेस ऐसे हैं कि जो पिछले 40-50 साल से चालू है, कोई ऐसी दुकान है या कोई ऐसा बिजनेस है कि जो 50 साल से, बहुत कम होंगे आपके सिटी में। तो समझो बिजनेस चल नहीं रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो करना क्या पड़ेगा? वो बदलने का नहीं है, वो बदलने का तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। मतलब अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं जिस तरह से वो धंधा कर रहा हूँ, वो बिजनेस करने का मेरा तरीका बदलना पड़ेगा। मेरे में देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में क्या अच्छा चल रहा है। तो जो अच्छा चल रहा है उसको नोट डाउन करो कि यह अच्छा चल रहा है, दिस इज वर्किंग। जो अच्छा नहीं चल रहा है वो लिखो कि दिस इज नॉट वर्किंग। अभी जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको निकाल डालो, जो अच्छा चल रहा है उसको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करो, मल्टीप्लाई करो। उसमें देखो कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ क्या, मार्केटिंग में कम पड़ रहा हूँ। अच्छा, मार्केटिंग ठीक हो रहा है, मेरा ब्रांड एस्टेब्लिश हो रहा है। कि होता क्या है कि आपका माल अच्छा होना चाहिए, मगर माल अच्छा होने के बावजूद भी आप उसको किस तरह से मार्केट में एस्टेब्लिश करते हो वो बहुत जरूरी है। तो ब्रांड एस्टेब्लिश करना, उसका मार्केटिंग करना। एक बार मार्केटिंग किया, लीड्स जनरेट हो गई, तो लीड्स आने के बाद में उसको सेल करना, तो ये जरूरी होता है। तो ये यदि करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस आपका बहुत तरक्की कर सकता है। तो बिजनेस बदलने का नहीं है, थोड़ा ट्राई करना, प्लान भी तैयार करना, थोड़ा ट्राई करना। नहीं जमा, छोड़ दिया, चलो ये करेंगे। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि ये बिजनेस किया फिर छोड़ दिया, फिर वो साल दो साल किया फिर वो छोड़ दिया, फिर साल दो साल किया। अरे भाई, चालू करने के पहले सोचो कि भाई मैं कितने साल ये बिजनेस करने वाला हूँ। क्या ये बिजनेस अभी मैं चालू कर रहा हूँ या 100 साल तक चलेगा, क्या 100 ईयर्स, क्या मेरा विजन 100 ईयर्स का है क्या बिजनेस चलाने का? तो करो, नहीं तो मत करो। और वो भी जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे मेरे बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी है, क्या ला सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, कोई नयापन ला सकता हूँ। रोज बदल रहा है, डेली मतलब धंधा करने वाले लोग बदल रहे हैं अपना बिजनेसेस। डेली कुछ तो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया मोबाइल डेली आ रहा है, कल का मोबाइल आज पुराना हो जाता है, कल की कार आज पुरानी हो जाती है। इतना फास्ट मार्केट डेवलप हो रहा है, और उसमें हम यदि हमको नहीं बदलेंगे, हमारे बिजनेस करने का तरीका नहीं बदलेंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं चेंज करेंगे, तो बिजनेस बंद करने के नौबत आएंगे। तो मेरा आखिरी यही कहना है कि बिजनेस मत बदलो, बिजनेस करने का तरीका बदलो। और ये वीडियो, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, ताकि जो भी बिजनेस बंद करने की सोच रहा है कि नहीं चल रहा है बंद करो, तो बंद नहीं करेगा, वो बिजनेस में डटे रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। वहाँ डटे रहने के बाद में, डटे रहो मुन्ना भाई, डटे रहना है, और डटे रहने के बाद में भी धीरे धीरे देखना है क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, और वो देख के फिर आगे बढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।